अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फैसल चौधरी। आप देख रहे हैं कार मेंटेनेंस। आज का मेरा टॉपिक ये है कि अगर होंडा गाड़ी के पास आप अगर स्कैनर आप नया लेते हैं तो कुछ ऐसी मिस्टेक होती है जो लोग कॉमन कर लेते हैं। जो नए इस फील्ड में आते हैं या नए तरफ से स्कैनर लेते हैं तो वो चेकिंग करने के दौरान ऐसा कुछ करते हैं कि गाड़ी स्टार्ट होनी ही बंद हो जाती है, उसका एम्बलेजर का कोड या चाबी इसकी लॉस्ट हो जाती है। तो वो इंशाल्लाह बताऊँगा कि क्या ऑप्शन है जिसको आपने क्लिक नहीं करना, ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये है कि हम इसी वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपने चाबी एक ऐड ऑन करनी है, यानी चाबी एक ऐड करनी है उसमें, तो वो कैसे करेंगे। होंडा गाड़ी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम ब्लेजर यूनिट कैसे अगर चेंज किया हुआ है तो उसका आप उसको रीसेट कैसे करेंगे या उसका प्रोग्राम कैसे करेंगे। अगर आपने इंजन यानी इश्यू चेंज किया है या यानी इश्यू चेंज किया है कंप्यूटर चेंज किया है तो उसको कैसे आप प्रोग्राम करेंगे, या MPCS, MICU या IMOES, यानी इसके अलग अलग नाम है। तो ये जो चाबी के ऊपर जो ट्रांसपोर्टर यानी उस जो वो कड़ा नुमा होता है चाबी के ऊपर ब्लेजर का, जो आपको सिक्योरिटी को क्लियर कराता है, तो वो अगर यो मैग्नेट कॉयल जिसको बोलते हैं ज़्यादातर, तो अगर वो चेंज हो गया, अलग अलग ज़ुबान में अलग नाम है, हम इसको मैग्नेट कॉयल बोलते हैं, तो अगर वो ख़राब है तो वो यानी इमो के रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, कोई भी सेंसर हो तो चेंज करना है, तो आप इसको कैसे करेंगे। कीलेस ट्रांसपोर्टर रजिस्टर अगर यानी नए सिरे से आपने वो जो चिप है उसको ऐड करना है तो वो कैसे रजिस्टर करेंगे, वो अलग से एक लंबी वीडियो बनेगी, तो हम उस पर अलग से बात करेंगे। सबसे पहले जो दोस्त आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा ताकि नया नया नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। आज मेरे पास है होंडा अकॉर्ड 2017 मॉडल, ठीक है, ऑटोमेटिक गियर है इसका। तो जी आज होंडा अकॉर्ड 2017 मॉडल है मेरे पास, तो हमने स्कैनिंग इसमें लगाया। आज हम स्कैनिंग इन थिंक डैग पे आपको बताएंगे, लॉन्च हो, थिंक डैग हो, इजी डैग हो, एक्स डैग प्रो 3 हो, सब में सिमिलर ही फंक्शन होता है। हम ब्लेजर को ओपन करेंगे, ठीक है। आपने सबसे पहले मिस्टेक की हम बात करते, ऑल की लॉस्ट, कभी भी ऑल की लॉस्ट को नहीं दबाना। अगर आप इसको क्लिक कर भी देंगे थोड़ी देर जाके इसको मिनी सिस्टम को बंद कर दें, आपने इसको आगे चलने नहीं देना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सारी ही चाबियां रिमूव हो जाती हैं तो उसमें मसला आता है, ठीक है। उसको हम नहीं क्लिक करेंगे क्योंकि हमारी चाबी ही रिमूव हो जाएगी तो उससे फ़ायदा नहीं कुछ होगा। तो ऐड की यानी आप एक चाबी ऐड करना चाहते हैं तो स्टार्ट द इग्निशन यानी ऑफ़ करना है पहले, उसको बाद इसको ऑन करना है विद ओरिजिनल की, यानी आपके पास जो चाबी ओरिजिनल जिससे गाड़ी स्टार्ट हो रही है उसको लगा के स्विच को ऑन करना है, फिर ओके कर देना। तो यानी फिर स्विच को ऑफ कर देना है, तो आपने वेट करना है 11, 12, 9, 8, 7। आपके पास दो चाबी होनी चाहिए, ओरिजिनल वाली और जो आपके पास जिस पर प्रोग्राम करना है आपने, वो चाबी आपके पास होनी चाहिए। अब आपने क्या करना है, स्विच ऑन करना है नई चाबी से, ठीक है। स्विच ऑन करके तो वेट करना है 12, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। फिर आपने फिर दोबारा स्विच को ऑफ कर देना, फिर वेट करना है आपने। ये सब चीज़ें होती हैं, स्कैनर आपको सब कुछ खुद ही बता देता है। स्विच को ऑन करना है, यानी आपने अभी चाबी को चेंज नहीं करना, वैसे ही स्विच को ऑन करना है। यानी आपने स्विच को ऑफ कर देना, फिर दोबारा चाबी को ऑन करना है। यानी आपका जो अंदर मीटर के अंदर एक एम्बलेजर का यानी चाबी का जो साइन आता है एम्बलेजर का यानी सिक्योरिटी का, तो वो चला जाएगा। अगर चला गया तो यस करें, टर्न दी यानी स्विच को ऑफ कर दे, यानी अब चाबी यानी ओरिजिनल चाबी से स्विच को ऑन करना है। यानी उसमें चाबी ऐड हो चुकी है, अब स्विच को ऑफ कर दे। ये
यानी जो पुरानी इसके अलावा जो चाबियां थी, एक ये और एक ओरिजिनल चाबी, दो ऐड है, उसके अलावा जो अगली चाबियां हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ऑल को ऑल की लॉस का एक और ऑप्शन आपको बता दूँ, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्लिक कर भी लिया है तो क्या करेंगे, आपने क्या करना है कि उसको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, स्विच को ऑफ कर सकते हैं। ये तरीकाकार है, उसमें भी ऑप्शन देगा कि वो ओरिजिनल चाबी को कभी भी रिमूव ना करें, ओरिजिनल चाबी को लगा के इसमें कुछ ना करें। ठीक है, तो कोशिश करें ये वाला अवॉइड कर दें। ठीक है, उसके बाद पहला ऑप्शन आता है, इसमें चेक कर सकते हैं इसमें चाबियाँ कितनी हैं, टू चाबियाँ, जितनी ऐड होंगी वो बता देगा जी। हम आप बात करेंगे रिप्लेस, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इंजन चेंज की, सॉरी ईसीयू चेंज किया, यानी आपने उसका कंप्यूटर चेंज किया है, तो फिर कैसे करेंगे, इसको ओके कर देना। यानी वो कह रहा है रजिस्टर हो चुका है, आपने इग्निशन ऑफ कर दें, वो कह रहा है डोर लॉक ऑन लॉक करके तो चेक करो, फिर उसके बाद उसको स्विच को ऑन करके ओके करो, स्विच को ऑन करो, स्टार्ट करो, आपका काम हो चुका होगा। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन है, बिल्कुल इतना सा काम है, अब स्विच को फिर ऑफ करना है, फिर उसको ऑन करना है, रजिस्टर वॉज कम्प्लीट यानी हो गया, और फिर इसको ऑफ करना है, फिर इसको ऑन करना है, तो काम आपका हो गया। अब हम रिप्लेस इमो यूनिट और कीलेस ट्रांसपोर्टर की हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जी। अब बच गया है कि रिप्लेस इमो यूनिट, ये बच गया है, उसके बाद दो लास्ट में टॉपिक है कीलेस। ठीक है, तो हम दोनों को ही बात कर लेते हैं कि अलग से एक वीडियो बनाने का मेरे ख्याल में कोई मकसद बचता नहीं है। तो रिप्लेस यूनिट, आपने कितनी चाबियाँ ऐड करनी है रिप्लेस इमो, अगर आप इम्ब्लेजर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले एक ही हम ओके करते हैं। ठीक है, इसको ऑफ कर देना है, फिर स्विच को ऑन करना है। अब क्या करना है, इसमें विन नंबर आपने लगाना है। विन नंबर में क्या है कि आपने गाड़ी का जो विन नंबर है, चेसी नंबर है, वो लिखना है। मैं जो गाड़ी का चेसी नंबर वो लिखूंगा। आपने क्या करना है कि जो इंग्लिश के लफ्ज होंगे, इंग्लिश के वर्ड होंगे, वो बड़ी ए बी सी पे लिखने हैं, जैसे कि मैं लिख के बताऊँगा आपको। ठीक है, 1H जी, चेसी नंबर में लिख लिया है। अब क्या कह रहे हैं कि स्विच ऑफ करना है, 17 सेकंड के अंदर अंदर आपने स्विच को ऑफ करना है, यानी 20 सेकंड के अंदर अंदर आपने स्विच को ऑन करना है, चाबी आपने चेंज नहीं करनी। ठीक है, फिर आपने स्विच को ऑफ कर देना है, फिर आपने स्विच को ऑन कर देना है। ठीक है, यानी इम्ब्लेजर का कोड रजिस्टर हो चुका है, आपने स्विच को ऑफ कर देना है, वो कह रहा है कि दूसरी चाबी को चेक कर लें वो काम कर रही है प्रॉपर के नहीं, वो नहीं काम करेंगे क्योंकि हमने एक ही लिखा था। अगर आप दो लिखते हैं तो दूसरे को बार बार कर लें तो वो बेस्ट रहता है। ठीक है, आप ओके करते हैं, स्विच को ऑन करें, तो ये काम आपका हो गया। अब हम नए से ट्रांसमीटर, अगर किसी को ट्रांसमीटर यानी चिप ऐड कर रहे हैं, नई चाबी ऐड कर रहे हैं, तो पुरानी आपसे गुम चुकी हैं, तो आप क्या करेंगे, नीचे वाले को ऑप्शन को करेंगे, इसमें भी हम एक करते हैं, तरीकाकार सिमिलर ही रहता है, स्विच को ऑफ करना है, दोबारा स्विच को ऑन करना है। अब इधर फिर चेसी नंबर वो जो लिखी थी मैंने वो ही लिख देनी है। यानी 17 सेकंड के अंदर अंदर आपने स्विच को ऑफ करना है, वही तरीका कर है, चाबी को चेंज किए बगैर स्विच को ऑन करना है, फिर दोबारा स्विच को ऑफ करें, फिर स्विच को ऑन करें, ये भी वही काम है, रजिस्टर हो चुका है, आप स्विच को ऑफ कर दें,
ये वही कह रहा है कि आप चेक कर लेंगे, नहीं हो रहा तो ऐड की कर लेंगे, तो स्विच को ऑन करें, आपका काम ख़त्म हो चुका। ठीक है, आपको दोबारा एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इस तरह की आपको वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगा कि आपको जल्द से जल्द वीडियो बना के नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद दुआ में याद रखिएगा।